नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। मन की बात कार्यक्रम नहीं सुनने पर चंडीगढ़ पीजीआई की 36 छात्राओं पर कार्रवाई, हॉस्टल से बाहर निकलने पर रोक। सीबीएसई का 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित, पिछले साल 94% छात्राएं हुई थी पास, इस साल 90.68% छात्राएं ही हुई उत्तीर्ण। सीबीएसई बोर्ड में पिछले साल 91.25% लड़के पास हुए थे, इस साल 84.67% लड़के हुए उत्तीर्ण। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा। यौन शोषण मामले में पुलिस ने दर्ज किए ब्रजभूषण के बयान, कुछ दस्तावेज भी मांगे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, सचिन पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो हम गठबंधन के लिए तैयार। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्प शूटर अमित दबंग के भाई मोहित उर्फ बंटी ने गोली मारकर सुसाइड किया। मथुरा के डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस। मथुरा के श्री नारायण औषधालय में ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग काफी मशक्कत के बाद बुझाई जा सकी। 13 मई की शाम दिल्ली में होगी राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई, मुंबई में सज गया परिणीति का घर। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुवेंदु अधिकारी को बाकुंडा के सिमलापाल में रैली की दी इजाजत। हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को दी बड़ी राहत, तोशखाना मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक। कैलिफोर्निया में आया भूकंप, तीव्रता 5.5 मापी गई। ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे एलन मस्क, उत्तराधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। खबरों में फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।